बागपत जिले के खेकड़ा थाना क्षेत्र में यमुना पुश्ते पर मुठभेड़ में पुलिस और एसओजी ने लूट में वांछित बदमाश को धर दबोचा है। गोली लगने से जख्मी बदमाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसका एक साथी जंगल के रास्ते फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश से पुलिस पूछताछ में जुटी है और उससे एक पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। बता दें कि सोमवार आधी रात इंस्पेक्टर खेकड़ा आर के शर्मा व एसओजी इंचार्ज इंस्पेक्टर संजीव कुमार सुभानपुर गाँव के जंगल में चेकिंग कर रहे थे। करीब 1 बजे यमुना पुश्ते से आए बाइक सवार 2 युवकों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया। इनमें से एक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जख्मी होकर गिरा, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल से फरार हो गया। वहीं पैर में गोली लगने से घायल बदमाश हापुड़ के सिंभावली कोतवाली के राजापुर कला गांव निवासी रजा पुत्र इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश से पिस्टल, 2 कारतूस व 1 बाइक बरामद हुई है, जिसे इलाज के लिए घायल अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि रजा 2 लूट की घटनाओं में वांछित चल रहा था। पकड़े गए बदमाश पर 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। सर, थाना खेड़ा क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरी घटना? ये आज रात्रि में लगभग 12:30 बजे थाना खेड़ा क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, जिसमें शातिर बदमाश रजा मोहम्मद उर्फ रजवा गिरफ्तार हुआ है। घटनाक्रम इस प्रकार रहा कि एसओजी टीम को एक सूचना मिली थी कि यह बदमाश जो कि हमारे यहाँ खेड़ा थाना से वांछित चल रहा था 2 लूट के मुकदमे में, उसमें इसकी सूचना ये प्राप्त हुई कि इसका मूवमेंट हमारे क्षेत्र में है। यह सूचना पर एसओजी टीम और थाना खेकड़ा प्रभारी की टीम ये चेकिंग कर रहे थे। यह बदमाश अपने साथी के साथ एक मोटरसाइकिल पर आ रहा था, जिसको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल होकर गिर गया और इसके कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर की बरामद हुई है, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो कि खेकड़ा क्षेत्र से ही चोरी की गई है। रजा मोहम्मद के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में अलग अलग थानों में लगभग 3 दर्जन के करीब लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर आदि के मुकदमे पंजीकृत हैं। थैंक यू।